आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आज हम बात करेंगे भारत के उस योद्धा के बारे में जिसको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। भारत के वीर सपूत श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। छत्रपति शिवाजी को लोग हिंदू हृदय सम्राट और मराठा गौरव भी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनका जन्म शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की सेना में अनेक मुस्लिम नायक और सेनानी शामिल थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उनकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। उनकी माता का धार्मिक स्वभाव होते हुए भी वो एक वीरांगना नारी थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी और कर्तव्यपरायण और एक निडर योद्धा बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम था शंभाजी। शंभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। शंभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था और उनके पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम राजाराम। छत्रपति शिवाजी को देश के सबसे उन्नतशील शासकों में गिना जाता है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र पर देश की रक्षा करती जिस नौसेना की ताकत आज आप देख रहे हैं उसकी परिकल्पना शिवाजी ने आज से सैकड़ों साल पहले ही कर ली थी। छत्रपति शिवाजी ने कोंकण और गोवा में समंदर की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना बल बनाया, क्योंकि शिवाजी इस हिस्से को अरब पुर्तगाली ब्रिटिश और समुद्री लिटोरे से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भिवंडी कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए समुद्री जहाज तैयार करवाए। सन 1657 से 58 तक शिवाजी ने 20 जंगी जहाज तैयार करवाए। साथ ही शिवाजी ने प्रशिक्षित लोगों को इसका काम सौंपा। कहते हैं सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा में पुर्तगालियों को मराठा नौसेना की ताकत का एहसास करवाया था। इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी के पास कुछ तोहफों के साथ एक दूत भेजा और दोनों के बीच दोस्ती का एक समझौता हुआ। उस समय मराठा नेवी के पास करीब 5000 नौसैनिक और 57 जहाज थे। मराठा नेवी ने कारवार तक अपना विस्तार किया। ये जगह आज कर्नाटक में है और हमें इंडियन नेवी का एक अहम बेस है। इंग्लिश डच पुर्तगालियों साहित्यकारों ने भी मराठा जंगी जहाज का जिक्र किया है, लेकिन इसकी संख्या कितनी थी ये नहीं बताया है। कहा जाता है कि शिवाजी इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक शिवाजी की सेना के पास 85 फ्रिगेट यानी लड़ाई के लिए एक छोटा जहाज और 3 बड़े जहाज थे। शिवाजी की तैयार की हुई नौसेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे, जिसमें इब्राहिम और दौलत खान सबसे खास थे। सन 1680 से 1659 तक संभाजी महाराज के काल में मराठा नेवी ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। मानक भंडारी, दारिया सारंग और दौलत खान मराठा नेवी का एक बड़ा हिस्सा थे। आज की मॉडर्न इंडियन नेवी को उसी नेवी का हिस्सा माना जाता है जिसकी स्थापना मराठाओं ने की और फिर शिवाजी ने इसे विस्तार दिया। इसी वजह से शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। शिवाजी के नाम पर अनेक प्रशासनिक क्षमताओं का एक शाही इतिहास दर्ज है। शिवाजी को ही गुरिल्ला युद्ध का भी जनक माना जाता है। उनकी इसी युद्ध नीति से प्रेरित होकर वियतनामियों ने अमेरिका से जंग जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध होता था जिसको शिवाजी ने मुगलों की नींव कमजोर करने के लिए अपनाया था। तो ये थी वीर शिवाजी की जयंती पर हमारी खास प्रस्तुति। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।